अब बात करते हैं एक्टर इकबाल खान की, जो अपने टीवी सीरियल ना उम्र की सीमाओं की शूटिंग के लिए इंदौर आए थे। बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं कई बार इंदौर आया हूं और मैंने इस शहर को ग्रो करते बेहतर होते देखा है। कितना साफ सुथरा हो गया है आपका शहर। मुझे बहुत खुशी है कि अब मैं इस शहर पर आधारित सीरियल के हीरो का किरदार निभा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इस शो में मैं एक बड़ी उम्र का व्यक्ति हूँ और मुझसे 20 साल छोटी लड़की को मुझसे प्रेम हो जाता है। धीरे धीरे मेरे मन में भी उसके लिए भावनाएं पैदा होती हैं। दोनों अलग अलग क्लास, अलग अलग एज ग्रुप से हैं, लेकिन शो में हमने दिखाया है कि इस रिश्ते में दो लोग एक दूसरे को एक इंसान के तौर पर बेहतर बना सकते हैं, एलिवेट कर सकते हैं। 1980 में जन्मे और कश्मीर में पले बढ़े इकबाल खान सोशल मीडिया छोड़ चुके हैं। उनकी प्रेजेंस वहां जरूर है, लेकिन यह उनकी टीम हैंडल करती है। इस बारे में इकबाल खान ने कहा कि लोगों ने सोशल मीडिया को जिंदगी समझ लिया है। क्या फर्क पड़ता है कि मैं कहाँ खाना खा रहा हूँ, कहाँ शॉपिंग कर रहा हूँ, कब मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचकर शहर से कहीं बाहर जा रहा हूँ, उस वक्त मैंने क्या पहना हुआ है, क्या है मेरा काम, क्या यह इतना जरूरी है, मैं एक्टर हूँ, एक्टिंग मेरा काम है, सोशल मीडिया हैंडलर नहीं हूँ, मुझे यह वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, इसलिए मैंने छोड़ दी है वर्चुअल दुनिया। सोशल मीडिया में ये गायब होने पर कहीं पॉपुलैरिटी कम तो नहीं हो जाएगी। इस सवाल पर इकबाल ने कहा, OTT प्लेटफॉर्म्स ने पिछले दिनों कितने कमाल के स्टार्स हमें दिए हैं। क्या वो सब इससे पहले सोशल मीडिया पर बैठकर रील्स बना रहे थे? क्या इससे वे स्टार बने हैं जो कहीं नहीं थे? वो आज लोगों के जहनो दिल में छाए हुए हैं और यह उनकी मेहनत, उनकी एक्टिंग की बदौलत है। मैं रोज यही प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता कि आज मुझे इंस्टाग्राम पर क्या पोस्ट करना है। उतनी देर में मैं कुछ नया सीख लूंगा, कुछ अच्छा पढ़ लूंगा। स्टार भारत के इस शो के साथ इकबाल जल्द ही कुछ पंजाबी हिंदी वेब सीरीज में भी नजर आएंगे। मैं सोशल मीडिया पर नहीं हूँ सर, अगर इतने ने सोचा कि एक बार वो कास्ट करेंगे तो सोशल मीडिया पर ही, तो प्रोफेशनल काफी सालों से काम कर रहे हैं किसी और कास्ट में, कुछ सोचा होगा कि थोड़ा बहुत काम तो कर ही लेता है एक्टिंग में। प्राइमरीली तो आपका काम है एक्टिंग करना, है ना? आप किसी ऐसे आदमी से शादी कर लें जिसके फॉलोअर्स बहुत होंगे ना। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।